तो गाइज आज मेरे पे ना एक कमेंट आया हुआ है कि आप इतना तैयार होते हो, क्यों होते हो भाई? मेरा मन करता है मैं तो होंगी तैयार। सुनो, मैं ये बाल कटवा रही हूँ दीदी जितने, ठीक है, एग्री? ओके। एग्री। अब मेरी एक बात सुन। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह सुबह हमें दर्शन हो गए हैं। इधर आओ, दर्शन इधर आओ। इस बंदे दर्शना, के सुबह आपको दर्शन हो गए, दर्शना, इस बंदे के दर्शन हो दर्शन गए, हो गए हैं, मतलब सुबह दर्शना। ही हो गई। तो स्वाति गुड़गांव से आ गई है क्योंकि रचित सिब्बू भी आ गए हैं। आज आ गए ना वो? हाँ, आप टेढ़े खड़े हो या छोटे हो गए? मतलब मैं लंबी हो गई, मैं वैसे ही खड़े हूँ, पर हो पेट सकता है पेट आप निकाल के खड़े हो आप ऐसे। पेट ही मोटा इतना है, निकाल नहीं रही, वो है ही इतना। बहुत ज्यादा हो गया है, हैं? ज्यादा हो गया, ज्यादा। ये यहाँ पे चीनू बैठी है, टाइम से उठा दिया था इसे, इसको सुबह चाय पिला दी उठा के और गर्म पानी दे दिया, और अभी ये करेगी अपना काम क्योंकि इसके हैं एग्जाम। लो, ये तो राइम हो गया। नहीं, राइम हो गया। काम चीनू करेगी काम, क्योंकि उसके है एग्जाम। तो ये स्वाति अभी क्या बोल रही थी तू? मेरी आईब्रो बना दो, देखो कितनी ज्यादा ग्रोथ आ चलो रखी है फटाफट बना देते हो, फिर मेरे को जाना है। मेरी ठीक, भी। तो स्वाति की आईब्रो बना के मैं निकलूंगी सैलून के लिए। मैं 2-3 दिन से जा नहीं चीनू रही भी कुछ कह थी, रही है। 1 मिनट, पर मैं कल चली गई थी और मैं बहुत लेट आई थी। हाँ चीनू, मेरी भी, मेरे तो जंगल तेरा भी है। टाइम आएगा, जंगली है तो जंगली। सबका टाइम है, सबका टाइम आता है, तेरा भी आ जाएगा। चीनू इज अ जंगली, आई एम एनिमल। देखो भाई कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल धुंधला, और अभी हम ऐसे मौसम में जाएंगे तो चलो। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, ये स्वाति की स्कूटी, वो चीनू की, और ये डोगी सो रहा है, इसके लिए मैंने ये यहाँ पे बिछा दिया था। एक मिनट, अभी इसको मैं ये उड़ा देती हूँ, ये गर्म है क्योंकि। देखो उसको मैंने उड़ा दिया, आराम से सोएगा अभी ये। तो गाइज मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। आज तो बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड। आज वैसी ठंड है वो बरसने वाली ठंड, ऐसे हवा चल रही है, और बाहर निकलो ना तो भाई ऐसे हो रहा है बिल्कुल, नाक वाक सब बंद। और ये स्वाति मैडम भी हो गई है तैयार, अभी चले। 3-4 हफ्ते ही हैं ठंड के, हाँ कोई नहीं, 26 जनवरी तक ठंड रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो मेरी आईब्रोज। कैसी बनाई, कैसी लगी तुझे? मैंने बनाई है, आंटी अच्छी बनाती हूँ जी, मैं। आंटी जी, मेरा भी अपने आपने ब्लॉग, पता नहीं क्या क्या करना कमेंट अभी है। पढ़ूंगी मैं, कमेंट आ रहे थे मेरे ब्लॉग पे, स्वाति वो पढ़ रही थी। तो चलो भाई मैं चलती हूँ, ठीक है, गेट बंद कर देती हूँ और मौसम दिखाती हूँ आपको। In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. तो गाइज मैं घर पर आ गई हूँ। मैं सैलून गई थी लेकिन आज मैं जल्दी आ गई हूँ, और मैंने चीनू को बोला था स्वीट पोटैटो रखने के लिए, तो चीनू ने रखी हुई है, अभी पकने ही वाली है 2-3 मिनट में, तो अभी खाएंगे स्वीट पोटैटो। दिखा देती हूँ आपको, देखो चीनू ने इसके नीचे यहाँ रखी हुई है, ये बहुत गर्म है तो मैं ऐसे उठाऊंगी। लेया स्वीट पोटैटो हो गई होगी, जा चादर बदल दी। चीनू ने चादर बदल ली अपनी, चीनू ने गरम बिछा ली, अच्छी लग रही है, ऑक्टोपस लग रहे हैं दूर से, ऑक्टोपस जैसे। इसको देखो, इसमें कैमरे में लग रहे हैं, वैसे तो नहीं लग रहे, पर अच्छी है मजा आ गया। वही ये गरम चादर है, चीनू ने पता नहीं कहाँ दबा रखी थी, अभी निकाली है बेड में थी, और ये इसने अपना यहाँ बिठा लिया। ये मैं और ये मेरे ऊपर जले, आप चीनू खाएंगे गरम गरम, जाओ जल्दी ले आओ। जा रही हूँ। तो भाई ये चीनू ले आई है स्वीट पोटैटो, देखो गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये बहुत ज्यादा गर्म है, अभी जस्ट तवे से उतरी है ये, देखो मस्त है। चीनू छील के मुझे देगी,
भैया का व्लॉग और स्वीट पोटैटो। मैं एक बार पानी पिया हूँ थोड़ा इससे पहले, ठीक है। तो गाइज मैंने खाना बना लिया है और मैंने खाना यहाँ डाल भी लिया है, और अभी चीनू लेके आ रही है कटोरियाँ प्लेटें जो भी जिसमें डाल के हमें खाना है, तो यहाँ बैठ के आराम से खाएंगे। वैसे ठंड बहुत है, तो चीनू कह रही है कि बेड पे आ जाओ, पर नहीं हम बेड पे नहीं जाएंगे, हम यहीं खाएंगे। नहीं चीनू आगे नहीं, गिर जाता है वहाँ पे खाना। चीनू को मैंने बना लिया है कि यहीं बैठ के खाएंगे, तो अभी चीनू देखो कैसे भाप निकल रही है रोटियों में से। कानू को खिलाऊंगी, खिला दी मैंने, खिला दी, अभी खिला के ही आई हूँ। चलो डाल लो। स्वाति कितनी देर में आएगी? 15 मिनट में। ठीक है। स्वाति खाना खा लिया आपने? खा लिया मैंने। स्वीट पोटैटो रखी हुई है तवे पे। स्वीट क्यों है? मीठी है। क्यों मीठे आलू कब से आने लग गए? नेचुरल, मुझे नहीं पता, मैं जब से पैदा हुई मैं तब से देख रही हूँ। अच्छा, ये भगवान की देन है। चलो खाओ जल्दी अपना, वो ठंडी हो गई होंगी वैसे भी। खाऊंगी। और आज स्वाति ने पहली बार मेरे सामने बैठ के रोटी खाई है दो दबा के। आपके लिए तो सब कुछ पहली बार ही होता है। पहली बार ही हो जाए। मैं सोचती हूँ स्वाति तेरे को भूख नहीं लगती? आपके लिए सब कुछ पहली बार ही होता है। जो मैंने पूछा वो बताओ। लगती है? क्यों नहीं लगती? तो खाना मांगती ही नहीं क्योंकि मिल जाता टाइम पे। कभी नहीं, अगर टाइम पे मिलता तो मैं सोचती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूंगी। अच्छा, सही लगता था तुझे उसमें? हाँ भाई, मेरे से नहीं रह जाता। मैं तो रह लेती हूँ। मैं भी रह लेती हूँ। यहाँ से आवाज आई? नहीं रहती क्या बिना खाने के? भूखी नहीं रह सकती? जरूर। एक महीना बिना खाने के रही थी। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला है कि एक टाइम का खाना छोड़ दिया या थोड़ा लेट खा लिया। तो मम्मी ने बोला भूखी नहीं रह सकती, उस बात पे बोला है मैंने। मैं एक महीना बिना खाए रही थी। तो भाई चीनू रही थी उसमें, क्या सावन था? सावन में। लेकिन चीनू को पानी भी लगता है, अब हम उसमें चीनू का नहीं। मैं बताती हूँ, चीनू रही थी एक महीना पूरा भूखा रही थी, लेकिन बस चीनू ने अन्न नहीं खाया। और चीनू ने अन्न नहीं खाया, गेहूं वगैरह रोटी वगैरह, बाकी चीनू ने कुछ नहीं छोड़ा। इतना नहीं खाती थी मैं। मैं आती थी ना जब मेरी इंटर्नशिप चली थी, मुझे याद है, तो आप इतने पैकेट लाए हुए थे उस टाइम पे चिप्स के, किचन का टेबल भरा पड़ा था चिप्स लड्डू से, चिप्स वो लड्डू गोल जो मोती चूर के, क्या बोलते हैं, मोती चूर भी मुरमुरे टाइप। हाँ तो बस। हाँ चीनू ने नहीं खाया उस एक महीने में, अन्न नहीं खाया। भूखा रहने की बात हुई है तो भूखी नहीं रही थी, तो ऐसा नहीं था कि भूखी रही थी। स्वाति ने सारा एक्सप्लेन कर दिया, आप क्या बोलोगे? कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो छोटी दिखाएगी ना। हाँ अब ये ऐसे करेगी बस। तो भाई मेरे पे चीनू, इसी बात पे मैं तेरे को बाल कटवाऊंगी मैं, ठीक है? सुन सुनो, मैं बाल कटवा रही हूँ दीदी जितने। एग्री? ओके एग्री। अब मेरी एक बात सुन। क्या मैंने भी पढ़ा था, नू कह रहा कि आपके बेटा बेटी इतने बड़े हो गए आंटी, और ये आपकी कोई उम्र है तैयार होने की, मेकअप करने की? ये आपके संस्कार है ऐसे ऐसे? क्या संस्कार भाई, तैयार होने का संस्कार? अब कोई तैयार भी ना हो तुम्हारे ऊपर चले। तो गाइज आज मेरे पे ना एक कमेंट आया हुआ है कि आप इतना तैयार होते हो, क्यों होते हो? भाई मेरा मन करता है मैं तो होंगी तैयार, क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत हो तो आप भी हो जाओ तैयार, उसमें क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है तो आप मत हो। नहीं, हो जाओ, मत हो क्या? तैयार होने से तो दिक्कत है उसे। नहीं, वो मम्मी के तैयार होने से, उन्होंने कमेंट किया तो सुन लिया, चीनू ने भी बता दिया है। और भाई मेरा तो मन करता है तैयार होने का, जिस दिन नहीं करेगा नहीं होंगी, फिलहाल तो मैं होंगी, पर मेरा बहुत मन करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सोच बदलो, अच्छा लगेगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, आप भी तैयार होके देखो, बहुत अच्छा लगता है। नहा धो के अच्छे कपड़े डालो, जो आपको मेकअप करना है वो करो, तैयार हो, क्या दिक्कत है? बच्चे देखो दोनों हंस रहे हैं। सुन लिया सैवेज मम्मी का रिप्लाई? कुछ नहीं होता ऐसे, गंदे कमेंट नहीं करने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें लिखा करो जो पढ़ने में अच्छा लगे, और हम भी अच्छा रिप्लाई। कभी नहाओगे तो अच्छा लगेगा, तैयार रहोगे अच्छा लगेगा, घर पे बिना नहाए रहोगे तो सबको यूं ही बोलोगे कि अब मत हो तैयार, तो कभी नहा के तैयार होगे देखो अच्छा लगेगा।
मेरा तो मानना ये, ना धो के अच्छे से रहो, तैयार हो के बढ़िया दरिया, ठीक है। किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, अपनी ये सोच रखो, देखो करके कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कमेंट और करना कि आंटी जी आपने सही बताया, ठीक है। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। और हाँ, मेरे इस पे वीडियो पे ना एक कमेंट और आया हुआ था, एक बार याद है पीछे मैंने एक वो रील बनाई थी गाड़ी से, मैंने एक उसको मतलब एक आंटी को एक मैंने बिस्किट दे दिया था, तो मैंने वैसे ही वो वीडियो बना ली थी और मैंने वो पोस्ट भी करी थी। तो ऐसे कमेंट आया था कि आपने एक बिस्किट तो दिया है उसकी आपने वीडियो बना ली, देना ही है तो आप दे दो, वीडियो क्यों बना रहे हो। तो भाई जिसको हमें दान करना होता हम कर देते हैं, तो हम वीडियो क्यों बनाएं। और हमारा मन है अगर हम बनाएं तो बनाएं और ना बनाएं तो ना बनाएं, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब देते हुए वीडियो बना लो तो आप ये बोलते हो कि दिखावा कर रहे हो, अगर हम वीडियो ना बनाएं तो आप ये बोलते हो कि आप तो किसी की हेल्प ही नहीं करते। आपको पता है हम हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, पता होता है ऐसे क्या किसी का। अगर हम ऐसा किसी के बारे में बोलें और जो हमें पता ही नहीं है तो कितना बुरा लगेगा। तो ना तो हम बोलते किसी को और ना हम ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो आप भी ना भाई अच्छे अच्छे कमेंट कर लिया करो जो पढ़ने में मज़े आए हमें। तो चलो इसके साथ मैं व्लॉग को एंड कर देती हूँ, आज मैंने बहुत सारे उपदेश दे दिए हैं, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, गुड नाइट बाय, कल मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट बाय, टेक केयर। ख्या नी मैं तो वेखदा ही रह गया, अग वे प्यार वाली सेकदा ही रह गया।